बाऊजी बोल, धोखेबाज फरेबी ये बताएगा आपको कि धोखा किसने दिया है। बता बता, बता सच्चाई क्या है, बोल। Are you sure? बता दो इन सब पर। मेरा मतलब है जो आपने किया है वो सच बता दो, या जो आपने मुझे इन सबको कहने के लिए कहा था वो सच बता दो। You wait a minute, Akshay. Let me handle him. वो सच बता दो जो तुमने इन लोगों के साथ किया है, जो धोखा दिया है तुमने इन्हें। मैंने तो वही किया था जो मुझे करने के लिए कहा गया था। अग्रीमेंट में 30 दिन के क्लॉज के बारे में अक्षय जानता था? ये अच्छी तरह से जानता था। Shut up! Shut up! सच सच बता दे नहीं तो मैं तुझे। अक्षय! भला साहब, डरने की कोई जरूरत नहीं, बताइए सच्चाई क्या है। जी मैंने अक्षय जी से पूछा था कि 30 दिन में हमारे पैसे अगर हमें नहीं मिल गए तो गिरवी रखी हुई चीज हमारी हो जाएगी। मैंने पूछा था कि ये क्लॉज आपके इस एग्रीमेंट में भी रहेगा या नहीं। ये क्या बकवास कर रहा तू? बीच में मत बोल अक्षय, बीच में मत बोल। और क्या कहा था बताइए। उन्होंने बताया था कि मैंने बिजनेस को बिजनेस की तरह करना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि मिस्टर ज्ञान कपूर, मेरा मतलब आप भी एक बिजनेसमैन हो और अच्छी तरह से समझते हो कि दोस्ती अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। ज्ञान, इस पर ट्रस्ट मत कर, ये विश्वास के काबिल है ही नहीं। अगर ये विश्वास के काबिल नहीं है तो अक्षय मुझे इसके पास लेकर ही क्यों गया था? ज्ञान, ये जो बोल रहा है वो सच नहीं है। सच तो अब मैं उगलवाऊंगा इससे। आप बताइए भला सा। अरे ये क्या बोलेगा ज्ञान, क्या बोलेगा, ये झूठ बोल रहा है। मैं तुझे इसके पास लेके गया था ताकि ये तेरी मदद कर सके, लेकिन ये आपको अगर सचमुच इनकी हेल्प करनी थी तो आपने मुझे पहले बताना चाहिए था। खैर मिस्टर कपूर, आप 2 दिन में मेरे पैसे लौटा दीजिए और आपकी जमीन वापस ले लीजिए। हाँ, अगर अक्षय जी कहते हैं तो और वक्त दे सकता हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा अक्षय। तेरा हर रूप देख लिया ज्ञान, बस यही देखना बाकी था। सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। भला साहब अब जा सकते हैं। जी जाता हूं मैं, लेकिन मिस्टर कपूर वो 2 दिन के बाद जो मैंने कही थी मैं अब भी उसके पर कायम हूं। भाऊजी भल्ला झूठ बोल रहा है। भाऊजी मुझे कुछ मालूम नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। भाऊजी, भाऊजी मैं सच बोल रहा हूं। आप बताइए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, बताइए ना भाऊजी। चाय जी, चाय जी, क्या आपको भी अपने इस बेटे पर विश्वास नहीं, बताइए ना। जायजी बाबूजी,
मिस्टर कपूर, जिस दिन यह झूठ का पर्दा हटेगा ना, उस दिन जो सच क्या है आपको पता चल जाएगा। अक्षय पर विश्वास नहीं करके आपने बहुत गलत किया है। कम ऑन सन, लेट्स गो। यही वजह है कि मैं हमेशा कहती थी दोस्ती हमेशा बराबर वालों में ही होनी चाहिए। मम्मी जी, ज्ञान और उसके परिवार का हम पर से भरोसा टूटने का ये कारण नहीं है। उनका विश्वास टूटा है क्योंकि क्योंकि उन्होंने सच में धोखा खाया है। पार्टनर इज राइट सो। अल्लाह ने उन्हें ऐसे ही सिचुएशन में डाल दिया तो। पर डैड, मुझे तो दुख इस बात का है कि इतने अच्छे लोगों से हमारा रिलेशन टूट गया। मुझे इस वक्त चिंता हो रही है अक्षय की। अननेसेसरीली उसे ये सब फेस करना पड़ रहा है। छोड़िए ना मॉम, जो होना था हो गया। अब ये सोचिए कि आगे क्या करना है। करना क्या है भाईजान, बड़ी मुश्किल से लड़ लड़ के हमने ये जमीन हासिल की है, इसे हाथ से यूं ही थोड़े ना जाने देंगे। हम लोग फिर से केस लड़ेंगे और इस बार भी केस हम लोग ही जीतेंगे। हमें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन अपनी जमीन का हक हम वापस लेके रहेंगे। बाबूजी, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम वो केस लड़ेंगे और आप देखिएगा, उस केस का फैसला हमारे हक में होगा। बाबूजी, बाबूजी, वो जमीन अब तक हमारे नाम है। हम वो केस जीत कर रहेंगे बाबूजी। लेकिन कैसे ज्ञान? केस लड़ने के लिए हमें पैसे चाहिए और हमारे पास पैसे हैं कहाँ? चाईजी का इलाज अब भी चल रहा है और जो भी वैसे बचे हैं हम उसे चाईजी की ट्रीटमेंट करेंगे या फिर ये केस लड़ेंगे। हमें केस जीतेंगे इसकी कोई गारंटी भी नहीं है ज्ञान। तो हम क्या करें सिद्धि? उनके आगे अपने घुटने टेक दें, अपनी जमीन उन धोखेबाजों के हाथों में दे दे? बताओ सिद्धि, क्या करें? अक्षय, तुमने जो भी किया उससे ज्यादा तुम और कुछ नहीं कर सकते थे। तुमने भल्ला को धमकी दी और वो डर भी गया, इसलिए उसने ज्ञान के सामने झूठ कहा। ये तो बाय नेचर वो बुरा आदमी नहीं है और लीगली रॉन्ग भी नहीं है। तराना भाभी, इसमें अक्षय की क्या गलती है? आप लोग खामोखा अक्षय को कसूरवार ठहरा रहे हैं। स्टॉप इट प्रार्थना। अक्षय को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं। और ये मत भूलो कि तुम्हारा पति होने से पहले वो इस घर का सदस्य है, हमारा बेटा है वो। हमें भल्ला को टैक्टफुली हैंडल करना होगा। डैड, आप क्या कहते हैं, क्या रास्ता है मेरे सामने? कॉम्प्रोमाइज। समझौता ही एक अकेला रास्ता है ज्ञान, क्योंकि ना तो हम दो दिन में 50 लाख रुपए अरेंज कर सकते हैं और ना ही ये केस लड़ सकते हैं। इसलिए बेस्ट यही होगा कि हम भल्ला के साथ कॉम्प्रोमाइज करें और इसे थोड़े से पैसे की डिमांड करें। भल्ला भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसे ये लैंड इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इसलिए वो खुशी से हमें 1-2 करोड़ रुपए तो दे ही देगा। एक ही गल करिए सिद्धि, 150 करोड़ की जमीन हम 1 या 2 करोड़ में दे दें। आपके पास और कोई रास्ता है रौनक भैया? पापा जी, कोई तो रास्ता होगा ना? पापा जी, वो लोग सही में मुसीबत में हैं। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती है प्रार्थना? हम उनकी हेल्प क्यों करें? हम चाहते हुए भी फाइनेंशियली उनकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हमारे भी हालत खराब है। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि डैड का सिद्धांत टाउनशिप का सपना अभी भी अधूरा रह गया। शुरू होने से पहले ही द एंड। सिद्धांत टाउनशिप
फिनिश्ड। डैड, एक ऑप्शन है हमारे पास। हम सिद्धांत टाउनशिप कपूर्स के लैंड पे बना रहे थे क्योंकि तब वो उस लैंड के मालिक थे, लेकिन अब लैंड का मालिक भल्ला है, तो क्यों ना हम भल्ला के साथ डील करके अब उसके लैंड पे सिद्धांत टाउनशिप बना दें। ये आप क्या कह रहे हैं विशाल भैया? देखो, उससे डैड का सपना भी पूरा हो जाएगा, ज्ञान की हेल्प भी हो जाएगी और अक्षय का नाम भी क्लियर हो जाएगा। ज्ञान की हेल्प? वो कैसे विशाल? देखो अक्षय, भल्ला सिर्फ एक फाइनेंसर है, डेवलपर नहीं। या तो उसे जमीन बेचनी पड़ेगी या किसी डेवलपर के साथ टाई अप करना पड़ेगा। एंड वी द ठकराल्स, वी आर डेवलपर्स। गुड आइडिया। इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड आइडिया। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। और कपूर्स को फायदा होगा तो उन्हें लगेगा कि अक्षय उनका दुश्मन नहीं है, वेल विशर है। अक्षय, व्हाट डू यू से? प्रार्थना, तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे? वही कर ज्ञान जो जो सिद्धि पुत्र कह रही है। जो पैसे मिलेंगे उन्हें लेकर हम गांव लौट जाएंगे। भाजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम अपनी जमीन उसे क्यों? बाबूजी क्यों? भाईजान, ऐसे हिम्मत हार जाए वो बलदेव कपूर नहीं हो सकता। आप तो हमेशा हमें हिम्मत बनाते आए हो, आज आपकी हिम्मत कहां खो गई? सब ठीक कह रहे, लड़े बिना ही आप हार मानना चाहते? भाई पुत्र, ये जो भी हुआ है हमारे साथ, ये वाहेगुरु की मर्जी से ही हुआ है, उसी ने किया है। इंसान से तो लड़ सकता हूं मैं, लेकिन अपने अपने वाहेगुरु से कैसे लड़ूं? एक ही कह रहे हो तुसी जी। मैं तो क्या कहूं, तू ही बता क्या कहूं मैं। और मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है अपनी जिंदगी में जिसकी सजा मिल रही है मुझे? कोई बताए और बताओ मुझे। और कभी झूठ नहीं बोला, किसी का हक नहीं मारा, ऐसा क्या किया मैंने जो मुझे जेल जाना पड़ा, जो मेरे मत्थे पर कलंक का दाग लग गया, और जो मेरी आखिरी उम्मीद, मेरी धरोहर, मेरी जमीन मुझसे छिन गई। वाहेगुरु ने नहीं किया तो फिर किसने किया? जा पुत्र, जा और मिल ले बल्ले से, जितना पैसा देता है ले ले और कर दे जमीन उसके नाम। ये समय भावनाओं में बहकर आइडियल बातें करने का नहीं है। इंसाफ की लड़ाई, सच की जीत, ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में जीत के लिए सच नहीं, पैसा और पावर चाहिए। इससे पहले कि भल्ला किसी और डेवलपर से अपनी टाई अप कर ले, हमें ये डील कर लेनी चाहिए। लेकिन अक्षय, वो आपकी बात क्यों मानेगा? क्योंकि प्रार्थना अक्षय भल्ला से माफी मांगेगा। आप झूठ के सामने, हालात के सामने हार मान जाएंगे? बाऊजी, चाय जी और ज्ञान के सामने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अगर मुझे माफी भी मांगनी पड़े तो मैं मांगूंगा। प्रार्थना, मैं भल्ला के पास जाऊंगा क्योंकि अब मेरे पास यही एक रास्ता बचा है। मुझे मत मारिए अक्षय जी, अक्षय जी प्लीज मुझे मत मारिए। डरो मत भल्ला,
बैठ जाओ। मैं यहां तुमसे बिजनेस डील करने आया हूं। जी मैं कुछ समझा नहीं। भला तुमने क्या किया, क्यों किया, ये सब मुझसे छुपा नहीं है। और तुम ये भी जानते हो कि तुमने मेरा नाम यूज करके कितना बड़ा गेम खेला है। तुम्हारी इस हरकत से अगर चोट मुझे पहुंचती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन तुमने ये चीटिंग करके ज्ञान और उसकी फैमिली का सब कुछ छीन लिया है। और मैं, मुझे दुख है कि मैं ना चाहते हुए भी उनके इस दुख की एक वजह बन गया हूं। ये बिजनेस की बातें कर रहे हैं आप? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है भला। मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं तुमसे, उसकी वजह बता रहा हूं तुम्हें। देखो भला, कपूर्स की लैंड तो तुम्हारी हो ही जाएगी, क्योंकि ज्ञान सिर्फ 48 घंटों में 50 लाख रुपए अरेंज नहीं कर पाएगा। मेरा प्रपोजल उसी कपूर्स की लैंड के बारे में है। हम यानी कि ठकराल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उस लैंड को डेवलप करेंगे और वहां पर एक शानदार टाउनशिप बनाएंगे, सिद्धांत टाउनशिप। डोंट वरी भल्ला, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। और इतना मिलेगा कि ये जितनी मेहनत तुमने इस जमीन को हासिल करने के लिए की है उसकी पूरी कीमत वसूल हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आज से और अभी से सारे डिसीजंस मैं लूंगा। नो प्रॉब्लम सर। हाँ, लेकिन इस डील से कपूर फैमिली वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि आप और हम मिले हुए हैं तब क्या होगा, इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? उसकी चिंता तुम मत करो भल्ला, वो सब मुझ पर छोड़ दो। ज्ञान और उसकी फैमिली को मैं हैंडल कर लूंगा। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम मेरे साथ कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो या नहीं। ठकराल ग्रुप के साथ बिजनेस, और वो भी इतनी बड़ी ऑफर, मैं कैसे मना कर सकता हूं? लेकिन अक्षय जी, अगर आपको जमीन ही चाहिए थी तो पहले बता दिया होता। ये सब खाम खा झमेला और ये सब मेरा कॉलर पकड़ना, पिटाई, ये सब नाटक तो नहीं करना पड़ता। हाँ, एक बात और भल्ला, ज्ञान कपूर को इस डील के बारे में नहीं पता चलना चाहिए।